ये कौन सा विकास है? ना सड़क, ना पुल, ना बिजली। नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। ये नौनिहाल देश का भविष्य है। कहाँ है सरकार, कहाँ है प्रशासन? बच्चों की सुनो फरियाद, हमारे लिए पुल बनवा दो मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री जी, नहीं तो किसी दिन हम बह जाएंगे। यह फरियाद हरियाणा पंचायत के खमेड़ा गांव के नन्हे नन्हे नौनिहाल कर रहे हैं, जो कि जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को विवश है। बच्चों को यह वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देश की आजादी के 70 सालों के बाद भी खमेड़ा में कोई भी सरकारी सुविधा नहीं है। यहाँ बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि गांव के लोग पिछले 20 सालों से पुल व सड़क की समस्या से दो चार हो रहे हैं, लेकिन सरकार के किसी भी नुमाइंदों या प्रशासन ने इस गांव की कोई सुध नहीं ली। हाँ, चुनावों के समय में नेताओं ने यहाँ के लोगों के साथ पुल सड़क बनाने के वादे जरूर किए, जिसको लेकर यहाँ के लोगों के लिए ना तो यह कोई सरकार है ना ही कोई प्रशासन। यहाँ के लोगों का कहना है कि वे सरकार व प्रशासन से इस गांव के लिए पुल व सड़क बनाने की मांग करते करते थक चुके हैं, लिहाजा अब नौनिहालों ने फरियाद की है। शायद नौनिहालों की फरियाद से हमारे राजनेताओं का दिल पसीज जाए। गांव खमेड़ा तहसील झंझड़ूता जिला बिलासपुर में पड़ता है। यहाँ से 40 से 50 बच्चे हर रोज सरयाली खड को पार करके पाठशाला दसलेहड़ा में शिक्षा के लिए आते हैं। दसलेहड़ा के सरयाली खड के पार ये गांव खमेड़ा काफी सालों से राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। इस गांव के लोगों के लिए ना तो पुल है, ना ही सड़क और ना ही बिजली। यहां के लोगों को अगर दसलेहड़ा आना हो तो उन्हें सड़क के माध्यम से 12 से 13 किलोमीटर का सफर शाहतलाई के रास्ते से करना पड़ता है। काफी समय पहले कांग्रेस सरकार के विधायक ने इस गाँव को सड़क निर्माण करवाने और सरहाली खड पर पुल के जरिए दसलेहड़ा गांव से जोड़ने के लिए प्रयास किया, लेकिन सरकार के फेरबदल होने से अगली सरकार के विधायक ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसे लेकर जब हमारे संवाददाता दौलत चौहान ने स्थानीय विधायक से बात की तो उन्होंने कहा कि यह बात मेरे संज्ञान में है। सुनिए आप भी हमारे संवाददाता दौलत चौहान से विधायक ने क्या कहा। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कटवाल जी बोल रहे हैं? जी जी, मैं समाचार एक्सप्रेस चैनल से बोल रहा हूँ जी। जी सर, मैंने ये आपसे बातचीत करनी थी कि जो एक मामला आजकल वायरल हो रहा है, एक खड के ऊपर बच्चे जो है वो उसमें बीच में जा रहे हैं और सीएम से गुहार लगा रहे हैं, तो सर ये क्या मामला है सर, इसकी थोड़ी सी जानकारी। मेरी प्राथमिकता में है ये पुल, और ये पिछले साल वर्ष 2018 जनवरी में विधायक प्राथमिकता में सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया है। 2,95,00,000 रूपए की DPR बनकर तैयार है, शीघ्र ही इसका कार्य शुरू करवाया जा रहा है। 70 सालों से इस समस्या से लोग झेल रहे हैं जी। मेरे विधायक बनने के बाद मैंने सबसे पहले ये काम कर दिया है जी। जी सर, ये कब तक बनेगा जी पुल? जी बनने का तो टाइम लगता है, 75 मीटर लंबा पुल है, 2-3 साल लगते हैं, पर अगले साल इसका शिलान्यास होने वाला शीघ्र ही। अभी ठीक है सर, थैंक यू सर। और ये मैं ही हूँ विधायक जिसने ये शुरू कराया है, जिसने ये DPR बनाई है, जिसने ये मामला ऑब्जर्व किया है। विधायक पहले भी रहे हैं जी। जी सर, बनवा रहे हैं इसको, और मैं इनकी समस्या से अवगत हूँ, और मैं अब इनकी इस भावना के और कठिनाई को देखते हुए विधायक प्राथमिकता की पहली बैठक में इसको मैंने अपनी प्राथमिकता में रखा था। ठीक है सर, ये लोगों का ये भी कहना है कि ये सड़क भी कुछ कच्ची है यहाँ पर। नहीं, सड़क तो पहले से कच्ची है, सड़क तो गिफ्ट डीड देंगे तो उसके बारे में भी कार्रवाई करेंगे। गिफ्ट डीड देने नहीं है अभी, तो गिफ्ट डीड दे देंगे तो सरकार के जो क्यों नहीं करना है, हम तो काम करने के लिए तो हैं। ठीक है, जो इसके जमीन की जो व्यवस्था है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करनी पड़ती है सरकारी नियमों के अनुसार, तो जैसे ही गिफ्ट डीड देंगे तो वैसे भी दे देंगे। वैसे हम करवाते हैं सड़क को ठीक हर साल, इस साल भी करवाइए। ठीक है सर, छोटा रास्ता है, करवा देंगे। परंतु इस पुल को बनाने का जो इनिशिएटिव है वो मैंने लिया है, और मैं इसको बनवा रहा हूँ, और शीघ्र ही इसकी जो है शिलान्यास किया जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद सर। DPR बन गई है, 75 मीटर लंबा है, 2,95,00,000 का। पहले जमीन की कोई अड़चन रही है इसमें, वो सॉल्व की, वो रिकॉर्ड टाइम में इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। मेरे आने के बाद सारा कुछ इसके ऊपर, इस व्यवस्था के ऊपर कार्रवाई हुई थी। ठीक है जी, थैंक यू। समय चक्र के साथ सरकारें आई और गई, खमेड़ा गांव की फरियाद किसी ने नहीं सुनी। अब देखना होगा कि क्या नन्हे बच्चों की फरियाद पर सरकार व नेताओं का दिल पसीजेगा। बच्चों की फरियाद सुनो सरकार, हमारे लिए पुल बनवा दो मुख्यमंत्री जी व प्रधानमंत्री जी, नहीं तो हम किसी दिन बह जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम
किसी दिन हट में बह जाएंगे। प्लीज पुल बनवा दे, पुल बनवा दे, पुल बनवा दे। ਆਦੇ ਤਪੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਹੈ ਖੱਡਾ ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਪੁੱਲ ਪਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੰਭੇੜੇ ਜੋ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗੜੇ ਆਦਮੀ ਹੈ ਆਏ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸਕਦੇ ਖੱਡਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸੁੱਠ ਹੋ ਹੈ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਮਾਰੀ ਖੱਡ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵਾਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਰਸਾਤ ਮੈਂ ਅੜੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਆਹ ਜੋ ਇਹ ਪੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਸਤੇ ਬਹਿਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਰੇ ਸੜਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ 19 ਸਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਰਾਸਤਾ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਅੰਖੋਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਮਾਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਕੋ ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸ੍ਰੀਵਾਲੀ ਖੰਡ ਮੈਂ ਪੁੱਲ ਡਾਲਾ ਜਾਏ ਔਰ तभी ये तलाई से सुविधा होगी कि तलाई तक हम पहुंच सकें मेरा कलाकार साईं निवासी हूँ आज त्रियाली खंड में इतना पानी होने के बावजूद बच्चे स्कूल नहीं जा पाए यहाँ तक कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ही असंभव है क्योंकि इस गांव में सड़क का बहुत ही अभाव है और ना ही कोई पुल है हमने 2009 में इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था इसको अब हमने मुख्यमंत्री जी से एमएलए जी से और एमपी जी से सबसे करवाया है लेकिन किसी ने भी इसके बारे में कोई सुनवाई अभी तक नहीं की है जिससे ग्रामवासियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है गांव वालों ने मिलकर आरटीआई के माध्यम से 2009 में कराया था जो वादा दूरा था और 2016 में हमने पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया था एक भी वोट वार्ड पंच प्रधान उप प्रधान बीडीसी और जिला परिषद के लिए हम लोगों ने नहीं डाला था ये सारी सड़क का जिलाधीश के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया था और ये सारा रिकॉर्ड लोक निर्माण विभाग के पास पहुंच चुका है फिर भी सड़क का निर्माण किसी ने नहीं किया आज दिन तक कोई सुध नहीं ली विधायक ने चुनावों के समय वादा किया था कि मैं जीत कर इसी सड़क को बनाऊँगा लेकिन वो आप जडोता की तरफ ध्यान दे रहे हैं और हमारे इस गाँव की तरफ किसी का ध्यान नहीं है हमारे गाँव में एक लड़का अभी शहीद हुआ और उसके घर तक जाने के लिए रास्ता जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।